दे देने। मुझे पता ना वो ऊपर चढ़ी है। ओ भाई शान भाई जबर। ओ भाई जबर अंदर गया एक। शान भाई एक अंदर। शान भाई एक कवर दो है साथ आके जल्दी आओ। कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम माखर फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट फाट मोटे ताज़े चंगे भले होंगे। वेलकम टू माखर गेमिंग है दोस्तों। तो सब लोगों को पता है कि सीज़न 11 आ चुका है और सब लोग रैंक पुश कर रहे हैं, कोई एशिया में, कोई मिडल ईस्ट में, कोई सोलो में, कोई डू में, कोई कैसे। तो मस्त वाला गेम प्ले का सब लोग लेके आ रहे होंगे दोस्तों। ऐसे ये भी सीन है कि दो गेम प्लेज हैं और बहुत अच्छे क्लचेस, बहुत अच्छे इंटेंस फाइट और बहुत अच्छे गेम प्ले दोस्तों को देखने को मिलेगी। सीज़न 9 की गेम प्ले गाइस जो मैं कल खेल रहा था, उस दिन तो अपलोड नहीं कर पाया, बेसिकली बहुत बिजी रहा, तो आज अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे गेम प्ले देखने को मिलेंगे गाइस और इंटेंस फाइट्स वगैरह। तो मेरे कुछ दोस्त यूरोप में, कोई एशिया में, कोई मिडिल ईस्ट में पुश कर रहा, सब अलग अलग, मैं भी कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ, तो मज़ा आएगा गाइस। अगर तो आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को, गिव अ बिग थम्स अप, माखर फैमिली को सपोर्ट करें गाइस। एंजॉय द गेम प्ले। तो दोस्तों उतरने के बाद गन वगैरह लूट रहे हैं, गन मिल गई हैं, आगे पीछे बंदे काफ़ी उतरे हुए हैं, कुछ लेट लैंडिंग होते, लेट कमर्स नहीं होते स्कूल के अंदर वैसे बंदे लेट कमर्स होते हैं। ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, लैंडिंग बहुत फ़ायदा देती है यार कसम से। मैं तो सीरियसली इसका फ़ैन हूँ। हमारे तो पिंग ही भाई नहीं आते, पिंग आ भी जाएँ तो बस अल्लाह अल्लाह करते करते पिंग आते हैं और बस दिल खुश करने के लिए आते हैं। यहाँ पर गन फाइट हो रही है, ऐसी सीन देखिएगा। हम ना वेस्ट मिली, ये वेस्ट मिल गया लेवल 3 के, लेकिन हेलमेट नहीं मिला, लेकिन बंदा बहुत माचो बन के आता है, हम पीक एंड फायर करता है। लेकिन आपको पता है कि फिर बंदों को बोलता, हम शॉट को बोलता हूँ यहाँ पे बंदे गन्स हैं, लूट वगैरह तो अकेले लोग कहता नहीं होते, कहते वाके गाइस यहाँ पे सीन देखिएगा, मस्त वाली गन फाइट होने वाली। वो बंदे दो कूदते कूदते आ रहे हैं, या एक तो क्या मस्त वाली पीक है, हम भी तो पीक देने के लिए, लेकिन हेडशॉट मार देते हैं। मुझे ये सब बंदा तो सीधे हेडशॉट मारते हैं ना, डैमेज करता है, लेकिन ये शार्प शूटर आते हैं कवर देते हैं, पूरा पूरा फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्प शूटर मस्त वाला कवर देते हो, इसको करते हैं फिनिश, रिवाइव करेंगे। रिवाइव करने के बाद एक मस्त वाला क्लच दिखाएंगे गाइस आपको, आगे बहुत अच्छी इंटेंस फाइट होने वाली है। एंजॉय द गेम प्ले दोस्तों। रिवाइव होने के बाद आगे निकल पड़ते हैं, उसको लूट वगैरह किए, तो यहाँ पे ना गन फायर आ रहा था, तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, वो कूदियाँ मार रहा है मेरे सामने ना, जंपे मारता मारता जा रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है भाई हमारे, वो तो जम्पे शम्पे मार, नॉक करता हूँ, नॉक करने के बाद पूरा फिनिश करेंगे। यहाँ पे गाइस आगे ना थर्ड वेयर हाउस के पास भी ना बंदे फुल स्क्वाड है और वो खतरी स्क्वाड, आपको तो पता है अरबियों के मस्त वाले आ रहे होते हैं। हम लोग इससे पहले एशिया खेल रहे थे, एशिया में मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में अच्छी गेम प्ले निकाली है, लेकिन बस 13 बंदे मारे तो निकल गया, मार दिया भाई पिंग्स ने, बर्बाद कर दिया जॉर्जिया पूल के अंदर। वो वीडियो भी अपलोड करूँगा कभी ना कभी, टुकड़े टुकड़े डाल के। दोस्तों यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ अंबर है, अंबर अंबर हमारा मेरा फ्रेंड है इंडिया से, इज़ ए वेरी नाइस प्लेयर, बहुत अच्छा खेलता है। यानी मैं जब जब कह सकते हैं जब पबजी शुरू की थी ना, जब भी अंबर भी मुझे मिला था, इज़ ए वेरी नाइस, वेरी वेरी कॉपरेटिव, वेरी नाइस प्लेयर। इसके बाद भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इसने भाई सोलो में कॉन्करर पुश किया लास्ट सीज़न, अरबियों को तो सही रुलाया है ना, अच्छा प्लेयर है। और इस सीज़न बोल रहा था कि डू में पुश करते हैं, देखते हैं डू में कॉन्करर पुश करते हैं, टाइम बहुत चाहिए यार इसके लिए, टाइम बहुत चाहिए, सबर बहुत चाहिए, फिर गेम प्लेस निकालना मुश्किल हो जाता है। देखते हैं क्या करते हैं, बंदे स्पॉट हो चुके हैं सामने, वो बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं, पीक एंड फायर, एक कवर देता है, दूसरा पीक कर देते हैं मारता है। मेरे सामने भी देखें अंबर निकल रहा है, तो मैं ओपन कर रहा है, तो मैं अभी इसको फायर, उनको पता है जब थोड़ा लो कर दो अगलो को चुप करके ना, बंटास की गोली लो निकल पड़ो, वेट मत किया करो, लो करने के बाद वेट बिल्कुल लगे, एक अब मस्त वाला नेट दो कुक करके, ज़्यादा कुक मत करो तो उधर पहुँच जाए ना, हाथ में पड़ जाए। यहाँ पर सीधे गाइस क्लच देखें कैसे निकालता हूँ, इसको तो देखे ना, इसको पता ही नहीं क्या अपन पीछे आ गया, मुझे खुद ही पता, यहाँ पर बंदा ये देखना, इसका मुझे नहीं मालूम था, ये सीन देखना इस वाले का, ये देखना ऐसे थोड़ी चलता है कि हमारे होते तो अंबर को ले जाएगा यार, उसने कितनी दफ़ा कवर दिया यार। गाइस एक ज़माना था, मैं अंबर और मेरे दोस्त राणा साहब और निंजा अपना यार, बूट कैम्प में, बूट कैम्प में तो भाई तबाही फेरते थे हम लोग, यूरोप या मिडल ईस्ट। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया बूट कैम्प छोड़ दिया, लेकिन बहुत मज़ा आता था यार सनॉक में। नहीं हाँ दोस्तों लूट वगैरह करेंगे, आगे निकल पड़ेंगे, एंजॉय द गेम प्ले गाइस। बड़ी कष्ट करने के बाद और ना बड़ी मशक्कत करने के बाद हमको एक जीप मिलती है, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बंदे कम रह गए होते हैं, पता नहीं क्या हो गया होता है।
यानी ना आपको पता पड़ जाएगा कि मैं तो कहीं के बंदा होता ही नहीं, कैंपर होता है या कुछ ना कुछ होता है, तो मैं वहाँ से यहाँ पे आता हूँ तो ना यहाँ पे हमें पीछे से फायरिंग आती है, तो मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कहाँ से है, क्योंकि ये इधर तो भाई ये छतों पर चढ़े होते हैं या किसी ना कोने के कोने में घुस के चूहों की तरह बैठे होते हैं। जो प्रोज होते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो यानी कि आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए, यानी कि अगर के अग्रेसिव खेल रहे अगला या TPP लेके या छुप छुप के क्या कर रहा है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो मेरा खुद का अंदाज़ा हो गया वो, कि वो अभी तक उन्होंने पूछ नहीं किया तो समझ लो या दो है या एक है। तो ना दोस्तों मैं बंदों को कहता हूँ कि फैल जाओ, मेरे कमांडो सारे फैल जाए। इस एक बहुत अच्छा एक ना एक कह सकते हैं उसको कि फ्लैंक करके ना आप इजीली, लेकिन आपको अगर अपनी गेम पे एतबार है तो फ्लैंक करके जाए। ये नहीं अगर आप नूब नूब्स के साथ खेल रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं कि आप फैल जाए, बेचारा वो बाद में हेल्प हेल्प ही बोलते रहे, हेल्प हेल्प। मतलब वो समय स्पॉट हो चुका है मेरा, मतलब स्पॉट हो गया है, मैं इसको बॉट समझता हूँ हाँ, लेकिन यार ये हेड शॉट दिया नहीं जाता प्रॉपर, अच्छा खासा उसको कोशिश करता हूँ लेकिन ब्रोकन वॉल पर लग जाता है। बंदे साहब तो घुस गए हैं यहाँ पे, थोड़ी सी कैंपिंग कर ली है, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि दो या एक है, मैं भी रिस्क लेना चाहता था तो मैं अपने दोस्तों को बोला ज़रा ऊपर नीचे आगे मुझे दाएँ बाएँ से जाओ। पुश करने का भी तरीका होना चाहिए यार, आंखें बंद करके पुश करने का फ़ायदा नहीं है। आपको पता है खासकर जब सब रैंक पुश कर रहे हैं, इस कॉन्करर के लॉबी जब आती है स्टार्टिंग में तो तगड़े वाले होते हैं, तो फेवरेट लॉबी तो एशिया है लेकिन एशिया के पिंग साथ नहीं देते। अच्छा मैं इंटेंट लगा रहा हूँ, घर देखें, उम्मीद करता हूँ हमारे भी कोई 30-40 पिंग आ जाए। मुझे डाउट होता है कि इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर भी नहीं है, फालतू का नेट ज़ाया कर दिया। अंबर साहब जाएंगे, अंबर कहते हैं यहाँ पे बंदा ना इसके पास, अम्बर शॉपर साहब एक को करते हैं डाउन लेकिन वो तो बॉट, यहाँ पे बंदा यहाँ पे स्पॉट होता है। देखा अंबर एक नॉक करता है, इसी देखना कहाँ पे कैंपिंग करके बैठे होते हैं मैंने किया, दूसरे का पता नहीं पीछे से आते हैं इसको देख, वो ऐसे थोड़ी होता तो, अम्बा पे अंदर आ जाएगा वो। नो 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 नो, तो स्कैम हो गया, स्कैम मेरे साथ भी बेसिकली हुआ है, मुझे पता नहीं था कि अंदर चला गया। यहाँ दोस्तों इंजॉय द गेम प्ले। सर अच्छा पचंकी के बाद हमारा अगला टारगेट होता है स्कूल वगैरह या रजक की पहाड़ी थी, यहाँ पे हमें फायरिंग कर रहे होते हैं, इनको तो दिया ना गाड़ी के नीचे, दूर से इसमें बूस्ट लगा के आता हूँ, लेकिन उसके जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं, तो मैं कहता हूँ रिस्क वगैरह ना लिया क्या ना लिया जाए। तो अंबर उतर जाते गाड़ी से, कुछ जब ब्रेक लगती है तो बड़े तरीके से वो स्क्वाड को कर देता है फिनिश, और उसके बाद उनको लूटेंगे और लूटने के बाद हम लोग यहाँ से फूट लेंगे। एंजॉय द गेम प्ले। तो गाइस यहाँ से निकल पड़ते हैं हम लोग, तो ना अभी मेरे पास तो होती है जीप जो बिल्कुल तबाही कर दी होती है, तबाह उन्होंने, और यहाँ पे एम्बर और शॉपर चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ स्कैम हो जाता है, स्कैम इन सेंस कैसे होता है, तो जब यहाँ पे ना जा रहे होते हैं ना हम लोग ड्रॉप हंटिंग करने के लिए आते हैं, तो वो लोग ड्रॉप पर जाते हैं तो कहते हैं ड्रॉप पे बंदे, ड्रॉप पे बंदे, ड्रॉप पे बंदे, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, लेकिन बंदे वहाँ नहीं बंदे यहाँ निकल आते हैं। तो मुझे बाद में जब वीडियो रिकॉर्डिंग का मैं देखता हूँ कि हम बंदे राइट में होते हैं, तो यहाँ मैं मुझे पुश करेंगे वो दोनों तरफ से मुझे पुश कर देते हैं, वे यहाँ से भी कोई नहीं करता, यहाँ से एक बंदे को करता ना अच्छा खासा नॉक नॉक, लेकिन जो मेरे साथियों ने कवर दिया, अंबर और शार्पशूटर किलर यार, अंबर शार्पशूटर मेरी जो टीम है तबाही, ये सीन देखना पल पल कैसे आए, वो तीनों को कैसे खाएंगे, सीन देखना इनकी रिकॉर्डिंग के टाइम बारी बारी कैसे खाया, कुछ समझ ही नहीं आया यार सीरियसली। बाल 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 मुझे रिवाइव करेंगे गाइस, यहाँ पे रिवाइव होने के बाद निकल पड़ेंगे, एंजॉय द गेम प्ले। दोस्तों जब मैं रिवाइव होता हूँ उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो बंदे स्पॉट कर रहे होते हैं, बड़ी जल्दी लॉबी ख़त्म होती है यार कभी कभी यूरोप की, सही तब चढ़ती है। तो यहाँ पे शार्पशूटर के बंदे स्पॉट होते हैं लेकिन आपको पता है किल के सब भूखे होते हैं, KD बढ़ा रहे होते हैं, ये एक्चुअली KD भी मेंटेन करना बहुत अच्छी होती है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर एस या कॉन्करर में पहुँचना है KD को 0 की या 0.1 पॉइंट समथिंग की हो तो फ़ायदा नहीं होता, एटलीस्ट 5 या 6 KD या 7 KD हो तो मज़ा भी आता यार इस पर पहुँचने का, अगला देख के बोलता कि वाकई में वो बंदा प्लेयर है। यहाँ पे बंदा स्पॉट हो गया, शार्पशूटर बता रही थी मैं जा बूझ के आगे पूछा तो कि देखो कहीं वो कैसे, मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा अंबर जाता है, अंबर सीधा जाता है, अंबर को हम लोग कहते हैं कि यार ना मारिए, हम लोग पैन करेंगे, मैं स्मोक वगैरह करता हूँ, लेकिन अंबर साहब जाके मार देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ले रहे थे चिकन, काफ़ी चिकन निकाले हैं हम लोगों ने, लॉबियाँ टफ भी आ रही है, कभी मरते भी हैं कभी मारते भी हैं, सो वर्सेस स्क्वाड, डू वर्सेस स्क्वाड, पिंग्स थोड़े कभी कभी साथ देते हैं लेकिन वही वाला स्कैम भी कभी कभी मेरी गेम भी फ्यूज़ हो जाती है, बस मस्त वाला चिकन मिल जाता है हम लोगों को, अच्छे खासे किल्स भी निकले हैं इसमें, 8 निकले हैं, लेकिन जब नेक्स्ट गेम प्ले आ रही है गाइस वो देखें, वो द बेस्ट गेम प्ले गाइस सीज़न 11 की, ये सीज़न 11 है और आप लोग ये भी हम लोग उतर चुके हैं यूरोप के अंदर हैं, और सी दैट टफ लॉबी शायद एशिया ही है, आई थिंक एशिया था ये किसी एशिया में लेट कमर्स आए हमारे सामने, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस ये सीन देखने वाला है, कैसे बंदों को लब लब के मारेंगे, गन्स वगैरह नहीं मिल, जिसको गन मिल जाए वो शेर है, जिसको नहीं मिले तो
चप्पल छड्डो, पंजाबी जूतियाँ छड़ के नस जाओ। वही वाला सीन होता है आगे पीछे। कैसे आप लोग किसमें रैंक पुश कर रहे हैं आजकल, कमेंट से बताइएगा। एशिया में, मिडल ईस्ट में किस पिंग्स कैसी आती हैं आप लोगों की? हमारे तो भाई पिंग्स बिल्कुल कभी कभी ऐसे फ्लक्चुएट हो रही होती है, जैसे हार्ट बीट होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी तक गन्स नहीं मिली यार, गन्स ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ढूंढ के कोई हाल नहीं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान वाला बंदा ढूंढ रहा होता है। यहाँ दोस्तों गन्स वगैरह लेके बंदों को स्पॉट करेंगे, बंदों को पिश करेंगे, एंजॉय द गेम प्ले। गन्स बोर ढूंढ रहा, गन नहीं मिलती थी यहाँ पे आके। मैं टीममेट से मांगते हैं, दो बंदे होते हैं, मैं नंबर एहसन भाई के फ्रेंड ही होते हैं, मैं और एहसन भाई और दो लड़के नए आते हैं, तो इनके साथ गेम प्ले खेल खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना बंदे स्पॉट हो गए होते हैं, इनको तो बस ध्यान से चिल होके ना नॉक डाउन। यहाँ पे जो स्क्वाड उतरी है हमारे अलावा ना, ये बहुत अच्छा खेल रही है, पाकिस्तानी लड़के हैं। तो यहाँ पे एक आगे बॉट साहब, तो मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि एक लालच दिल में लड्डू फूटा, चुप करके उठाओ। और गन्स के एयर के बगैर कभी कभी ना जब अच्छे बंदे सामने हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसका गेम प्ले करना। आपको पता है पाकिस्तानी कुछ कुछ तो बहुत तबाही प्लेयर होते हैं भाई, आजकल तो हर कोई प्रो प्लेयर बना हुआ है। यानी हो एक को नॉक किया होता तो मैं कहते कि रैंडम नेट फेंकता हूँ, क्योंकि अगले को थोड़ा डरा डरू के जाओ ना, कान सुन सुन करके। तो ये सीन देखना, साथी को नॉक कर देता है ऐसे। यार क्या कर रहे यार, रॉक रॉक मिस्टर रॉक। ये हो गया नॉक और फिनिश। इसको साथी को रिवाइव करूँगा, रिवाइव करने के बाद गाइस आगे इसके बंदे रह गए हैं आगे, ये नहीं कि ख़त्म हो गए हैं वो। मैं तो कवर शवर तो आराम से ठंडा होके खाओ सब कुछ, ऐसे अचानक पहुँच जाना, बंदे पीछे ही हैं। ऐसे ही देखना भैया, वही अपनी शॉट गन है ये, है किधर किधर है किधर। एक तो अंदर घुस है ना, ये देखिए कहाँ जा रहा है भाई तू, ऐसे थोड़ी जा देंगे। 7D कहाँ गया बंदा, एक बंदा गायब हो जाता है, इसको काफ़ी ढूंढते हैं हम लोग। ऐसे भागते हैं ना फिर, वो क्या भागे मिस्किन, हम लोग खुद भाग रहे होते जब चप्पल चप्पल नहीं होती भाई। उस इस तरीके से वो फ्लेम उमेर साहब भी ख़त्म हो जाते हैं, तो स्क्वाड को ख़त्म करते हैं गाइस। तो उसके बाद निकल पड़ते हैं आगे लूट करके, एंजॉय द गेम प्ले। तो दोस्तों लोगों का कर दिया फिनिश, फिनिश करने के बाद हम लोग बंदों को स्पॉट कर रहे हैं। तो बंदों को स्पॉट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे, जो स्नो के स्नो वाला सिस्टम हो ना, तो इसके ऊपर होते हैं जो बॉक्सेस खुले नहीं होते, या फिर ये बंदे होते हैं ये ड्रॉप्स वगैरह, जैसे स्काई ड्रॉप होते हैं वहाँ पे गिर रहे होते हैं, किल्स वगैरह चाहिए। 30 बंदे रह गए होते हैं और हम लोग होते हैं, तो कैसे देखिए कैसे हम किल करते हैं। यहाँ पर हमारे पीछे ना अचानक एक दासिया की आएगी, तो ये बंदे भाई बहुत ही ना कहते ना कि माचो टाइप होते हैं, लेकिन निकलते हुए मैं कहता हूँ रिच का कवर लेके आराम से चिल होके मारते हैं। अच्छा वो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ और मेरे टीममेट्स ना पीछे जाएंगे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बंदा होता एक है, तो अच्छा खासा देर तो बंदा भाई रुकता क्यों नहीं, भाग गया था यार। अब बंदों का उतार क्या है, क्या करके आया, या अपने बंदों को पीछे उतार क्या है? हाँ मुझे याद है एग्जैक्टली, ये बंदों को उतार क्या आता है, तो मैं यहाँ पर आगे चलूँ। इसके अलावा जो गाड़ी हम पे पुश करेगी, क्लच देख रहे हैं उसको कैसे निकालता हूँ। तो मैं ना कवर का फायर लेते रहते जाता हूँ, तो क्या अच्छा कोई लालच भाई लूट का, ये बंदा सामने, लेकिन आपको जब अटैचमेंट ना लगी हो तो बहुत ही कहते हैं ना घटिया तरीन, कभी कभी रिकॉल करना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं यहाँ पे एहसन भाई करते हैं, लेजेंड एहसन को ख़त्म करते हैं। हाँ उन्होंने कहा था लेजेंड एहसन नाम होता है। यहाँ पे M24 है, जब मेरे हाथ में आया तो मैं तो बोलता यार एक ना एक गड्डी तैसी खानी खानी है। यानी हाँ दोस्तों गाइस लोड करूंगा, ये सीन देखना मेरे साथ। हाँ मैं अकेला यहाँ पे फंस गया हूँ, क्योंकि मैं बोला था जल्दी से ओम शोम हो या कुछ ना कुछ, सामने बंदे उतरे होंगे, वो बंदों को उतार के आता है। तो यहाँ पे दोस्त वगैरह मेरे आगे चले गए, तो उसका भी चला गया। यहाँ पे जीवे में पुश कर देती हूँ गाइस, देखें क्लच कैसे निकाल। टेंटेड है, ओह ऐसे हो गया ऐसे, नो 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 नो, चलो कुछ समझ ही नहीं आई मैंने क्या किया। यानी हाँ दोस्तों इनको किया फिनिश, अभी दूसरे टीम मेट आएंगे, लेकिन अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई। गायों को सबसे पहले फोड़ो, ख़त्म को तबाह बर्बाद करो, क्योंकि इस अगर उसको तबाह बर्बाद नहीं किया तो सामने वो भी खेलने के लिए उन्होंने तबाह बर्बाद करके आपको लॉबी पहुँचा देना है। तो बंदे ना पीछे दरख्तों के पीछे फ्लैंक करके बैठे हुए हैं आगे पीछे ना, तो मेरे टीम मेट एहसन भाई और ये नंबर 3 और नंबर 4 आएंगे, तो मैं इनको कहूँगे अराओ, इसको डैमेज देता हूँ मैं काफ़ी, लेकिन दरख्त साहब थोड़ा काम ख़राब कर देते हैं। पेड़ के पीछे चला जाता है बंदा, नज़र नहीं आता कहाँ गया, एक्सपोज से ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ गाड़ी शाड़ी, कहता है गाड़ी तो हमने फंसा दी। मैंने बोला बस चंगा किया, अभी निकलो आगे, इनको तरीके से स्पॉट करो, स्पॉट करने के बाद करते हैं फिनिश, इंजॉय द गेम पे दोस्तों। सो दोस्तों वहाँ से यहाँ पे आए थे, ड्रॉप वगैरह लूटा, थोड़ा घूम फिर के स्मोक वगैरह की, तो ड्रॉप लूटा। यहाँ पर आ गई एक डासिया, यहाँ पर ना एक थोड़ी अकलमंदी दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे बैक पे थे,
और हम स्प्रे रुकते करना तो चाहिए भून बंदे के रख को। देते हैं हम लोगों को, नहीं, स्प्रे करते लेकिन मैं रुकते नहीं, वो बहुत तरीके से ना समझ रहा हूँ, बड़े तो मैं माचो ना बन के एक ना, चीज़, वो हमारे बैक पे लगे तो उतरते तो खलास अच्छा खासा स्प्रे कर देते, अपोजिट साइड से आए थे लेकिन वो भी फाइट नहीं लेते, पता नहीं रैंक पुशर थे क्या थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थे नो डाउट, वो यहाँ पे रुकते नहीं है, वो आगे आते हैं लेकिन वो वो नीचे उनके वाले पुश लोग करने का हैं, तरीका आप लोगों को नीचे थोड़ा वाले बाद लोग में हैं, देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो बंदों को मैं मारूंगा ना, जो दूसरी ऐसा कुछ एक और करना स्क्वाड चाहिए पुश करेगी, उनसे देखें मैं कैसे नीचे डील वाले करता लोग हूँ मैं, यार से। द गेम प्ले हाँ गाइस वहाँ मैं पे यहाँ पे वेट किया रुका होता हम था लोगों ने, ना, वहाँ पे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हल्की सी ना फायरिंग की आवाज़ आती है तो मैं कहता हूँ रुके रुके इधर वो जो जाओ, गाड़ी ने इधर डासी जाओ, वहाँ इधर पे जाओ, रुकी है ना इधर लेफ्ट जाओ। साइड पे, यहाँ पे उतरते ही है ना तो वो बहुत तरीके से हम पे पुश करते हैं, लाइक हमको बिल्कुल सोचने देते हैं ना, कि सामने से आते हैं ये देखिए, वहाँ पे एक को मैं करता हूँ नॉक, लेकिन उन्होंने नेड किया होता है, ये देखिए बम उड़ गया मैं इधर आई इराकी से, इराकी भाई सो रे ले, इराक से तो बहुत ख़तरनाक रिश्ता है अपना दो लाख है रिश्ता, दोस्तों, वो दो लाख मुझे रिश्ता करते बनाना हैं चाहिए इधर इंडिया के अंदर, डाउन, इंडिया के अंदर लेकिन बनाना यहाँ पे ना चाहिए। बहुत अच्छी गेम प्ले दिखाते हैं, इंडिया नंबर के इंडिया टू के और बाहर नंबर बनाना थ्री चाहिए। चेक और करो नंबर चेक वन, करो वेरी चेक नाइस गुड करो प्लेयर यार, बहुत अच्छा गेम प्ले करते हैं, इसको भी कर इंडिया देता नॉक, लेकिन ये बंदा नंबर वन ना काफी बहुत अच्छा काफी गेम बंदा प्ले दिखा था, लेकिन वैसे मेरे को पूरा खाया था, मार दिया दिमाग मैंने, ख़राब होता है, लेकिन स्क्वाड को हम लोग ले जाते हैं, लेकिन परेशान मत बहुत करो मेरे टेक्निक को, अच्छी थी, एक दो परेशान नेड मत मार करो दिया था मेरे पीछे से, को। तो यहाँ पे उनको मैं रिवाइव रिवाइव होने के बाद जो आगे बंदे हैं उनको देखिए कैसे कैसे डील करते हैं, मस्त वाला क्लच निकालूंगा ये भी, जो गेम प्ले एक मैंने नॉक किया दोस्तों वहाँ से यहाँ पे आ रहा था, तो आपको, मुझे ना एक गाड़ी का ना साउंड होता है, डासे साहब आते हैं मस्त वाली, देखा कि फिल्म इंग्लिश की तरह जम मार रहा था, मैं कहता घुस कितने जाओ हैं इनके भाई, अंदर, अभी उतरे नहीं होंगे, लेकिन सब उतर के स्पीड आउट हो जाते हैं, इसको तो मैं यहाँ पे देता हूँ, अंदर इसको अंदर यहाँ पे अंदर देता हूँ, अंदर अंदर घुस रहा अंदर होता है, और अंदर क्या ये है साहब अंदर यहाँ क्या पे है। आएंगे अंदर घुसते हुए, कहाँ गया ये, ईशान भाई एक कवर दो इसको यार, ढूंढ मैं रहा अंदर होता हूँ गेम यहाँ खेल पे रहा ना, हूँ। ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो गया मेरे साथ बहुत नस क्या, मेरी गेम वही फ्रीज हो रही है, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये देखना मैं इसको मार रहा हूँ, गेम को क्या हो गया समझ नहीं आ रहा यार, लिटरली मैन वेरी बैड, ये बहुत बुरा होता है मेरे साथ सीरियसली यार, अच्छी खासी गेम मैं प्ले अंदर जा रही आऊँ अंदर होती अंदर अंदर है, अंदर अंदर सोलो में अंदर अक्सर अंदर होता अंदर है, अंदर 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 शायद S9 खाली इसमें ही होता है यार, ये अंदर इंडियन अंदर स्क्वाड अंदर होती है क्या हो बेचारी, गया। एनीहाउ यार ये इसको क्या कहते हैं, ये शायद नोट 9 में होता है या क्या होता है, मुझे तो यार गेमिंग के लिए कभी कभी दिमाग ख़राब होता है, अगर सब दोस्तों किसी के साथ होता है तो प्लीज़ बताना मुझे, यहाँ पे कर दिया हील अप करेंगे इधर पड़ेंगे आगे बंदों को बनने के लिए, जो गेम प्ले दोस्तों यहाँ पे आता नहीं है नहीं फायर ईशान भाई का प्लीज निशान, तो प्लीज मैं ना क्या प्लीज कहता मेरे हूँ जैसा चुप मत करके करना ना यार, जाकेट मेरे पास स्नाइपर तो होती है, टैप 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 M4 को करके बड़ा मज़ा आता है, लेकिन यार ये आप समझ यार नहीं आ रहे क्यों होते, आ रहे शायद हो, मैं आप यार जज क्या करता करते हूँ कि मैं ना हो, ये शायद दरवाजे के बीच में जाओ फंसा हूँ वो या सामने क्या एक दफा सिस्टम और है, एक लेकिन और एक इसके और ना एक बंदे एक और एक दफा और भेजे एक मुझे दफा अच्छा खासा डैमेज दे रहे होते, मैं कहता हूँ भाई नॉक मारो शॉक ना मारो हो जाऊँ अच्छा नहीं मैं नहीं लगता, करना यार, मैं बार नहीं बार करना चुप यार फिर करके यार, यहाँ पे ना 160 पे अच्छा खासा यार, ना देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनको मारूंगा मैं, कहाँ भाग रहा है भाई, झंडे किधर के, एक तो तुर्की दूसरा मुझे मालूम नहीं, बड़े प्यारे प्यारे झंडे देखने को मिलते हैं माशाल्लाह, एनी हाउ दोस्तों ये जो क्लच निकाला इसके लिए बाइक को सपोर्ट करो यार, ईशान भाई अनकरी नहीं मैं नहीं अपने कवर कवर ना कवर कवर सब्सक्राइबर कवर रिवील करूँगा, बहुत प्यार किया आप लोगों ने यार, बहुत मज़ा आ रहा है आप कवर लोगों की कवर सपोर्ट का, और कमेंट्स करते हैं आप मुझे मुझसे पूछते हैं, और अक्सर जो मुझे लोग जानते हैं तो ऑल पे बोल रहे होते हैं मिस्टर पाकिस्तानी, दो बंदे रह गए नाम इसमें, इंशाल्लाह अच्छा चेंज करूँगा मैं, मिस्टर माखोर करूँगा या माखोर वाइटी करूँगा, है दोस्तों कमेंट करें शेयर करें लाइक करें भाई को सपोर्ट करें, माखोर फैमिली को ग्रो करें, और जो नए नए यूट्यूबर्स मेरी तरह हैं उनको सपोर्ट करें, अच्छा अपनी कम्युनिटी को ग्रो करें, बहुत अच्छा लगता है गाइस, है मैं स्पॉट करने की कोशिश करूँ बंदा किधर के, वो बहुत गंदी स्प्रे दे रहा हो या कहीं लेटा हुआ नहीं मालूम मुझे, तो हम तीन आगे वो दो रखें, तो ना मैं इसको तरीके से कहता हूँ बस यार अभी बहुत हो गया वेट करते करते, वीडियो भी बड़ी लंबी हो रही होती है, तो बंदे को सपोर्ट ईशान थोड़ा भाई को मार सर्कल ना देते हैं क्लोज ईशान हो भाई रहा को होता एक है, थोड़ा भी, तो ना कहते हैं ना कि खाने को ठंडा करके खाना चाहिए, अच्छे ठंडा खासे खाना किल्स के चाहिए होते हैं, ईशान क्यों बेड़ा गर्क करना गेम प्ले का, अक्सर मैं जज्बातियों के करता हूँ, मेरे अलावा काफ़ी लोग करते भाई होंगे को वही किल्स के करना चाहिए चक्करों में, यार, तो लेकिन ये मैं चाह रहा था कि यार छोड़ दो ये छोड़ दो दो लड़के ईशान भाई रैंडम छोड़ थे, दो ईशान भाई मारो, यहाँ पे छोड़ दो थोड़ा छोड़ सा दो ना ये ईशान भाई, दरवाजे की वजह से ईशान मेरा भाई मसला छोड़ हुआ, दो तो भाई मैं ईशान कहता भाई हूँ छोड़ लाजम लेटा होगा दो, अब छोड़ यहाँ दो पे हील ईशान कर भाई रहा होगा, छोड़ दो क्योंकि भाई, वो ब्लू जोन से आया, तो मौके पे चौका ईशान भाई मारो छोड़ दो, तो अब छोड़ चुप दो करके ईशान ना भाई, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, इनको कवर ये आ करो गया भाई, देखा मैं इनको प्यार आ रहा है इसको भाई, किया इनको कवर कर दो और फिर मैं तरीके अटैक से करूंगा भाई, इनको फिनीस, अटैक और करूंगा यहाँ पे एक बंदा और रह गया वो स्पॉट करना भाई, थोड़ा सा ईशान भाई प्लीज डाउट होता है प्लीज मुझे था, प्लीज, लेकिन मेरे ना बंदे कहते हैं कि वो राइट में गया, वो ब्लू वाला होता नहीं वो जो सामने से कूदियाँ कूदियाँ करके जाता है, तो मैं बिल्कुल उसको ईशान भाई स्पॉट करता हूँ, आप मैं बिल्कुल दोस्तों को सही कहता हूँ कह फिर रहे हो, मैं तो बिल्कुल घुस रहा सही हूँ कह भाई, रहे हो, तुम लोग आओ ना हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि स्पॉट करो M249 निकाल ली होती है मैंने, प्री फायर दो करूँगा लाख कुछ रुपए ना मार कुछ मार करूँगा, दिया लेकिन इसके लिए दो मुझे बंदे आज चाहिए, तो इस साइड बंदे तो आज तो यहाँ इस पे साइड, आती है फायरिंग आवाज़ आती है, तो यहाँ पे वही गंदा स्कैम होने वाला मेरे साथ ना, ये देखना सीन ईशान भाई देखना, तो बिल्कुल साथ गेम साथ फ्रीज साथ हो गया, साथ खुद साथ नोटिस साथ करना, साथ 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 ये साथ गेम फ्रीज हुई, देखिए बंदे को लेते फिनिश और चिकन है, अपना ख्याल रखिए गाइस, अल्लाह ईशान भाई हाफिज़, को टेक केयर। भाई।